हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तबीयत ठीक नहीं इसलिए भाई साहब नहीं बोल रहे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यार बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है हम पे कि डक्की भाई ने रोस्ट करा है हुसैन तरीन और रविका खान को। इतने मतलब आज तक ना इतने ज्यादा कमेंट कभी नहीं आए जो आज मैंने रीड करा। हर वीडियो पे हर जो भी है सब्सक्राइबर सारे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस सब्सक्राइबर में क्या वो भी सब्सक्राइबर है जो रविका और हुसैन के हैं या फिर वो नहीं है? मेरे ख्याल से देखो, कोई भी आपको रोस्ट करता है ना, वो जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस नहीं मतलब दो चार वीडियो पहले, कि भाई दो तरह की रोस्टिंग होती है, एक तो गुड रोस्टिंग होती है, एक बैड रोस्टिंग होती है। अगर गुड रोस्टिंग है तो भाई जो रोस्ट हुआ होता है जैसे कि रविका हुसैन, वो भी अप्रिशिएट करेंगे, चलो भाई कोई बात नहीं, मजेदार है, बढ़िया। लेकिन जो होता है ना उतना बैड रोस्टिंग, समझ गए, बैड रोस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वो यार दिल पे लग जाती बात की आप इतना भी बुरा मत बोलो किसी को कि दिल किसी को हर्ट कर जाए वो, ठीक है, बैड रोस्टिंग वो, समझ गए ना कौन सी वाली। बेहद स्टार्ट कर देखते हैं आज की वीडियो, उससे पहले दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दे, सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देरी के स्टार्ट कर दे, हो सकता है बीच में थोड़ा ज्यादा बोलना या फिर हंसना पाऊं तो सॉरी भाई, तबियत खराब है, थोड़ा गला से बैठा हुआ है तो तकलीफ हो रही है थोड़ी। स्टार्ट करते बिना देरी के, 3 2 1 एंड गो। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर, तेरा बाप हूँ मदर। आज हम जिस लतीफे की बात करने जा रहे हैं वो टिकटॉक का सबसे हैवी कॉमेडी किंग, क्यूटी बॉय, जेनी मरीज, फनी तरीन, हसैन तरीन के बारे में। अच्छा, जब भी किसी का इंट्रोडक्शन देना होता है ना तो उसकी रेगुलर वीडियोस दिखाई जाती है, तो इस टैलेंटेड आधे दान सफेद आधे पीले लुंगर की भी मैं रेगुलर वीडियोस ही दिखाऊंगा। वीडियो का टाइटल है जी, व्हेन यू फील लाइक अ सुपर हीरो। अब टाइटल के अंदर लाफिंग इमोजी लगा हुए तो शायद काफी फनी वीडियो होगी। मुझे जाना होगा, बचाना होगा उन्हें। ओ, ये क्या है? लगा क्यों रखा है? अबे मुठ मरीज, अपनी हालत पे तरस खा, ऐसे करते करते तेरी बाँ डिग जानी है, जितना तेरा डोला है उससे ज्यादा चोरा तो मेरा लो। कंट्रोल कंट्रोल। स्क्विड गेम कर रहे हैं ये बाबर। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता, बस फनी वीडियो है। और ये ऐसा नहीं है कि इसकी मैं कोई चुटियापे की वीडियो छांट के दिखा रहा हूँ, इसकी सारी वीडियोस ऐसी हैं। और भाई साहब स्टार भी हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इसने अपनी बायो में लिखा हुआ है एक्टर, पीके फिल्म के अंदर सुपरहिट रोल किया इन्होंने। वो मसला ये कि आमिर खान ने आगे से रेडियो नहीं ना हटाया तो बेचारा नजर नहीं आया। जैसी तेरी सेहत है अभी लगता है बिखर जाएगा भाई। भाई साहब मेरे पास भी है कैप, लोग मुझे आके कह रहे होते हैं कि तू जाहिल है, बुद्धि दे ये टिकटॉक स्टारों को देखो। इस लुंगर को ये भी नहीं पता कश्ती चलाने वाला पायलट नहीं होता, पायलट जहाज चलाने वाला होता है। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। पायलट के चले तू मेरा थुक्का ला जा असला, वरना भी क्यूटी बग्स बनी गया। सैन तरीन इतना बड़ा कोई फुद्दू है, जरा ये चेक करो। एनिमेटेड मूवीज देखी हुई है? कौन सी है जो बहुत फेवरेट मूवी? हैरी पॉटर। क्या बोला तूने? हैरी पॉटर एनिमेटेड। जाके इलाज करो अपना। पूछता है आपकी फेवरेट एनिमेटेड मूवी कौन सी है तो आगे से कहते हैं हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश संभालो। इतना फुदुआ इसके प्यो ने इससे हेडफोन मांगे तो अपने प्रादी बावा करके कहते हैं हैंड्स फ्री। बस कर दे यार ये चुसर बना, जान के जितना क्रिंज दिखा सकते हो उतना दिखाते हैं ये लोग। चलो थोड़ा बहुत क्रिंज नेचुरली आ रहा है हर किसी में, लेकिन ये भाई मैं बता रहा हूँ 3 लाख लाइक्स ना ना हो इस वीडियो पे, मैं भी यही काम शुरू कर देने। इधर हुसैन तरीन की पैंट में लिंद लीक हो जाए उसके नीचे फैनी फैनी करके कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। इसके अब्बे ने ना बस लेके दी, अगले दिन भाई साहब ने नहर में फेंक दी। अब्बे ने पूछा क्या हुआ, कहता मैं पीछे किराया लेने गया था। हालत वेख जिवें टोपी ने टोपी पाई हुंदी है, जिवें होंडे ते बोंडा हुंदा ही, कट्टे नाल टट्टा बैठाई, घोड़े ते लक्का बैठाई। पैदा होया डॉक्टर ने किया बुंडी बुंडो है, नाल मुंडा लग गया है। तेरे जैसे लुंगर को पैदल चलते हुए चलान हो जाना चाहिए कि तू बाहर क्यों आया है। सहन तरीन की शादी हुई, बीवी ने कहा जानू कुछ करके दिखाओ, इसने बेड पे पेशाब कर दिया।
सैंतीन टिकटों में खारिज कर रहा अपने, तो मैंने पूछा क्या हुआ है, कहता रुक जा आखिरी ओवर है, स्टोर रूम साफ करो तो आखिरी कोने से तेरे वर्गा विंगा चूहा निकलता है। और ये अकेला ऐसा नहीं है, इसके साथ इसकी निब्बी भी है जो पिछले 5 साल से अपनी 17वीं बर्थडे मना रही है। कभी का राइट हैंड इधर करना, जरा लेफ्ट हैंड इधर करो, 71। एक सेकेंड रुकना जरा, क्या है क्या समझा मेरे को, क्या समझा क्या? मेरी एज है 17। व्हाट इज योर एज? आई एम 17 इयर्स ओल्ड। या यकीन नहीं आ रहा होगा मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे आप लोग इतना बता दो मैं झूठ बोल के क्या करूंगी। मेरी सच में उम्र 17 साल है। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 16 इयर्स ओल्ड। 16, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत फेमस है। मैं झूठ बोल रहा था, 16 साल की नहीं है ये, बड़ी है। मेरी बर्थडे आई थी तो उस दौर मैंने देखा था, तकरीबन ये 18 की तो है। माज भाई क्या वो गलत हो गया यार, ये बंदा बढ़िया कौन है यार? एक तो पता नहीं पाकिस्तानी निब्बियों को वखरा ही शौक है अपनी एज कम बताने का। एज कम बता के अवाम का फुद्दू लगाने की जगह अपने घर वालों को जाके बोलो ना कि 4 साल बाद काम डालना था। अजीब भी शौक है यार इनका। एक लड़की देखी मैंने, मेरे मुंह से भरा मम्मा उसका, उसकी एज पूछी तो कहती 16। बंदा वैसे ही शर्म कर लेता है, गूगल पे एज 21 और अवाम के लिए 16। बंदा इसके निब्बे से पूछे, खुद तो बड़ा हो ही जा रहा है, निब्बी तुम्हारी 16 पे ही बैठी है, पैंचो पीडोफाइल का केस हो जाएगा तेरे पे। 16 की हूँ मैं है? दादी मेरी के साथ पबजी के अंदर रैंक पुश करती थी, हट बैन। हम काफिरों को कहते थे कि झूठे हरामियां, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे निकले हैं। जिन लोगों को नहीं पता लेकिन भाई साहब गाते भी हैं। वो खुदा हो गए देखते देखते जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल क्यों जा, मैं तेनु समझा की दिल करा ढिंचक पूजा से माफी मांग लूं। किसके प्यार में लगी है? नहीं प्यार प्यार ये सब बिल्कुल डिक्शनरी से आउट है। कहती प्यार व्यार मेरी डिक्शनरी से आउट है, तो निब्बा निब्बी वाली वीडियोस के अलावा भी कुछ बना लिया करो ना। और अगर प्यार व्यार तुम्हारी जिंदगी से आउट है तो ये फुद्दू बांदर क्यों साथ लेके घूमती हो भाई, लगता क्या है वो? तुम्हारा वीडियो पार्टनर कौन है? मास है या हुसैन? दोस्त हैं सारे, तो किसी के साथ भी बना लेती हूँ, बट ज्यादातर वीडियो में हुसैन के साथ है। एक तरफ कहना है कि दोस्त है ताकि अवाम का लंबे अरसे तक फुद्दू लगा सके, और दूसरी तरफ चपड़ी निब्बियों वाली हरकतें भी करनी है। कौन सा वाला? सारी कलेक्शन है यार। कौन सा वाला? पिंक वाला। बताना कौन सा वाला? सबसे ऊपर वाला। लाओ भाई सुपरमैन की पावर लाओ यार। लेकर आए रवि का बहुत ऊपर है। कहाँ मैं तो बेबी फोन मांग रहे, लोग तो चांद तारे मांगते हैं। कभी चूसनी मुंह में ली होती है, कभी माइक मुंह में लिया होता है। यार मुंह में लेने से आधा है, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्टा एफएक्स। छिड़के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। ऑक्टा एफएक्स एक प्रीमियम फोरेक्स ब्रोकर है, आपने सुना ही होगा, जबरदस्त सर्विस देते हैं। ये एक आम फोरेक्स प्लेटफॉर्म से कई आगे है जो आपकी आसान अर्निंग करवाता है। एजुकेशन स्किल्स और सेल्फ डेवलपमेंट का नाम है। मार्केट फ्री ऑफ लॉस डेमो अकाउंट एंड वेबिनार्स विद प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर ऑलवेज एट योर सर्विस विद ऑक्टा एफएक्स। उर्दू स्पीकिंग स्पोर्ट्स और मार्केट के ढेर सारे विद्रोल और डिपॉजिट ऑप्शन आपको अनसरपास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देती है। ऑक्टा एफएक्स डाउनलोड करें और अपने रिलायबल पार्टनर के साथ फोरेक्स की जर्नी शुरू करें। जितने भी न्यू कमर्स देख रहे हैं वो प्रोमो कोड डकी बोनस यूज करके अपना फर्स्ट डिपॉजिट डबल करें। हाँ जी आगे चलो। सैंतरीन को लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत डिमांड है उसकी मार्केट में। तो आज जो भी मैं इतना मतलब आपने भी मुझे बुलाया और बाकी चैनल वाले भी मुझे रब्ता करते रहते हैं, तो वो उसी वजह से करते हैं कि मैं कुछ हूँ। बहुत डिमांड है यार इसकी, 50 रुपए में मुंह में लेने को तैयार हो रहता है। और ये जो कह रहा है ना हम बहुत बड़ी चीज है इसलिए शो वाले हमें बुलाते हैं, तो ये शो पे जाके करता क्या है ये भी देख लो। इतना फनी डांसिंग करते हैं यार, वो प्रोफेशनल थोड़ी ना है।
लेकिन एक आम समस्या है, तेरा टैलेंट देखने के लिए शो पे नहीं बुलाते, तेरी टांगे खोलने के लिए बुलाते हैं। गेम शो के बाद ऑफ कैमरा सैंतरीन का रेट लगता है, शो वाले ले जाते हैं छत पे कबूतर दिखाने। हम कुछ हैं तो शो पे बुलाते हैं। अभी कोविड की वजह से चिड़ियाघर बंद हुआ है ना, इसलिए शो पे बुलाते हैं तुझे लुंगर। और यार मैं उन लोगों पे भी लानत डालूंगा जो इसको देख के खुश होते हैं। लानत है यार तुम लोगों की चॉइस पे, किसी जेनी डॉक्टर से इलाज कराओ यार। बांदरों वाला मुंह बनाएंगे, तुम लोगों को हंसी आ जाती है, नीचे कमेंट आ रहा होता है हा 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 छो सनी, उसके 10 मिनट बाद कमेंट आ रहा है सैंतरीन हमारा स्टार है। लोरा मेरा पी दे, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ यार। वो हंसबे हाल वाली को तो फिर हंसने के पैसे मिलते थे, तुम लोग इस टीवी एंटीना की टांगे खुल जाए हंसी आ जाती है यार। ब्रा पैंटीज पहन के बूथिया बना के मरवा लो बस इनसे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। इस वीडियो पे 300,000 लाइक्स कर दो, इतना तो कर लो यार। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ अपना, कहा से बाहर नहीं जा रहा, 300,000 लाइक्स बस। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाला वो तो है कंजर, और बैड कमेंट्स करने वाला दिल कर तुम नंगे उतार कर तेरे मुंह में मारा क्रिश गेल ने पैर जो बच्चे ने पेटे। लेकिन रोस्टिंग है तो इसमें यूज होते हैं, हमको सबको पता ही है। तो अगर आपने कैरी मिनाडे की रोस्टिंग देखी हो तो आपको पता ही है, तो अपन लेवल होता है भाई उसके अंदर, तो मैं तो बात नहीं कर सकता वो भाई साहब। हाँ लेकिन कुछ फैक्ट इनके अच्छे लगे, कि जो बर्थडे का एज वाला थोड़ा मुझे वो लगा, कि हमारे सब्सक्राइबर ने भी बताया कि उनकी एज 22 के आसपास है। वैसे गर्ल्स तो यार हमेशा वो ही बताती है, ये सिर्फ वो नहीं, सभी गर्ल्स ऐसे करती है एक्चुअली, आजकल बॉयज भी ऐसे करते हैं। खैर उसमें कोई बड़ी बात है ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन सारी वीडियो यार उतना भी जितना दिखाया गया उतना खराब नहीं है। फिर भी कुछ हम नहीं छुपाएंगे, हम आपको बोलेंगे भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/3/2000, जो मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। ऐसा मेरा 4 नवंबर 1998 मेरा 2000 है, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ पता चल गया। हम नहीं छुपाएंगे क्योंकि यार छुपाने से कुछ नहीं होगा, जो एक्चुअल उम्र वो तो रहेगा ही रहेगा। मेरा बर्थडे 4 नवंबर को आने वाला है, तो मुझे बर्थडे जरूर विश करना है। इतना मतलब कि इनको 12 बजे में, मतलब कि 3 तारीख के रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले मुझे कॉल करता है, 1 मिनट बाद मेरा बर्थडे विश कर दियो। ये क्या हुई भाई, ये क्या बात है, कोई करता नहीं फोन करके तो कहता भाई विश कर दियो, बहुत मारूंगा कल। 1 मिनट हो गया, मतलब 1 मिनट बाद मेरा बर्थडे विश कर दियो ना, ये क्या बात हुई भाई। एडिटिंग करते करते टाइम पे हो जाता है ना टाइम, या फिर कुछ काम कर रहा हूँ तो नॉर्मली भाई मैं 1-1.5 बजे के आसपास ही सो पाता हूँ, उसी के बाद नींद आते हैं मुझे, तो भाई इनका फोन फान चलता रहता है। खैर इस वीडियो की अगर बात करें तो नो डाउट जिस दिन ये अपलोड हुआ था उस दिन से हमारे पास कमेंट आना स्टार्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे हम ब्रेक पे चल रहे थे। तो काफी टाइम मैंने रिसेंटली कमेंट सेक्शन खोला तो डक्की भाई की वीडियो पर रिएक्शन दे, तो मैंने स्टार्टिंग में डक्की भाई की रोस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन दे, बट 2-3 कमेंट पढ़ने के बाद नीचे लिखा रहा डक्की भाई ने हुसैन तरीन और रविका खान को रोस्ट करा रिएक्शन दे। मैंने चलो यार कुछ ही लोग बोल रहे भाई साहब, जब मैंने कमेंट सेक्शन जब पढ़ना स्टार्ट करा, मुझे तो अभी लेटेस्ट में बता दो रविका का ब्लॉग आया, जैजी का ब्लॉग आया, किसी ने नहीं बोला कि इन ब्लॉग पर रिएक्शन दो, सारे पीछे पड़े डक्की भाई की वीडियो पर रिएक्शन दो। मैं सोच रहा हूँ इस मतलब की इस क्या कहते हैं क्या कराया इन्होंने रोस्ट, तो इस रोस्टिंग पे हुसैन भाई की क्या प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पांस क्या है उनका, तो मैं वो देखना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास भी मैसेज तो पहुंच ही गया होगा, लेकिन वो रोस्टिंग नहीं करते ना, वो रोस्टिंग नहीं करते, फिर उनका रिप्लाई देखेंगे क्या होता है। खैर ये रोस्टिंग तो यार कर देते हैं, उसको आप कुछ नहीं कह सकते, तो ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ ज्यादा तो बोल नहीं सकते, बट कुछ वीडियो को लेकर उन्होंने ज्यादा रोस्ट करा है, कुछ जो उन्होंने फनी वीडियो कहकर जो बनाया है वो थोड़ा खतरनाक वर्ड्स डाले गए, तभी उस टाइम पे हम इधर उधर देख रहे थे क्या बोले हम, तो वर्ड्स नहीं थे उस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो कोई नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।